नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश को रितु खंडारी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद सभी संतों से मिलने पहुंचे। संतों ने सीएम योगी को आमंत्रित किया था। इस दौरान संतों ने सीएम योगी का सम्मान किया। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कैबिनेट को सामने बुलाकर सबका अभिवादन किया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बार बार बुलडोजर बाबा के नारे लग रहे थे। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सतपाल महाराज को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली। इस दौरान संतों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रेमचंद अग्रवाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गणेश जोशी ने मंत्री पद की शपथ ली। गणेश जोशी ने शपथ के बाद पीएम मोदी को सैल्यूट किया। इसके बाद धन सिंह रावत ने शपथ ली। धन सिंह रावत श्रीनगर से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दोनों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नरेंद्र नगर से दूसरी बार विधायक चुने गए सुबोध उनियाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई रेखा आर्य ने मंत्री पद की शपथ ली। रेखा सोमेश्वर से तीसरी बार विधायक बनी है। 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। 2017 से उनके पास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था। विधायक चंदन रामदास ने शपथ ली। इनके बाद विधायक सौरभ बहुगुणा ने शपथ ली। सौरभ बहुगुणा सितारगंज से दूसरी बार विधायक बने हैं। सौरभ पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। HN बहुगुणा परिवार की तीसरी पीढ़ी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो गया है।